हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। और फ्रेंड्स, मेरी पिछली सभी वीडियो में इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आज हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बताएंगे। तो जैसा फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोलिंग। जैसा आप देख पा रहे हैं, फेस वायर से निकल के आपकी सिंगल पोल एमसीबी, एमसीबी से निकल के ओवरलोड रिले और फिर स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन पे रहती है। और फ्रेंड्स फिर निकल के वो आपके मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे लगती है। सेम एज आपके ये मेन कॉन्टेक्टर की होल्डिंग है। इसके बाद में यहीं से एक लूप करके आपने टाइमर पर दे दिया। टाइमर के साथ में फ्रेंड्स आपका ये डेल्टा के NC है और ये टाइमर का NC, ये टाइमर का NO, क्योंकि एक टाइम पे आपका NO होगा और एक NC होगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये है आपका स्टार का NC और ये डेल्टा का NC, और नीचे से आपकी न्यूट्रल वायल कॉमन हो जाएगी। तो चलिए एक बार फ्रेंड्स इसके बाद में मैं आपको पावर वायरिंग भी दिखाना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी स्टार पावर वायरिंग। डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग कर ली है और इसके बारे में मैं आपको कुछ डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके RYB, और फ्रेंड्स वो सबसे पहले आपकी MCCB या TPN में लगेगी। फिर उसके बाद में आपके ओवरलोड रिले, और ये फ्रेंड्स इसका मेन कॉन्टेक्टर है। और मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर से ही हमने RYB का कनेक्शन डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए लिया है, और डेल्टा कॉन्टेक्टर के थ्रू आपके मोटर में जाके लग जाएगी। और फ्रेंड्स यहीं से हम स्टार बनाने के लिए स्टार कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे, जिसके ऊपर की सारी वायर शॉर्ट होंगी। फिर ये आपका 220 वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसकी पावर के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप देखिए, सबसे पहले ये हमारा TPN लगा हुआ है, RYB और न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स क्या होता है, R हमारा आपके मेन कॉन्टेक्टर पे R में लग जाएगा, L1 में, और फिर ये Y L2 में और ब्लू L3 में। और न्यूट्रल फ्रेंड्स क्या होता है, न्यूट्रल को हमने A2 टर्मिनल पे अभी कनेक्शन कर रखा है, ताकि इसके आगे मैं जब वीडियो आपकी कंट्रोलिंग की बनाऊं तो उसमें मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए। तो इसके बाद में चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहीं से हमने लूप करके आपके डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए वायर की कनेक्शन कर रखे हैं। ये हो गई RYB, और फ्रेंड्स RYB निकल के हमारे कनेक्टर पे जाके लगी हुई। ये 6 फेज के लिए कनेक्टर हमने यहीं पे लगा रखे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से निकल के जाएगी ये हमारे स्टार कॉन्टेक्टर में, और ये स्टार कॉन्टेक्टर की लूपिंग है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सिंगल फेस प्रिवेंटर लगा लिया बोल्ट पे अपने टाइट करके। अब फ्रेंड्स क्या होगा, R से निकल के इसमें A1 में लग जाएगा, Y निकल के फ्रेंड्स वाई वाली वायर आपके 2 टर्मिनल पे, और ब्लू वाली वायर आपके 3 नंबर टर्मिनल पे लग जाएगी। अब फ्रेंड्स इसके बारे में मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स किसी भी एक फेस से आपने लूप करके इसके 5 नंबर टर्मिनल पे देंगे, और फ्रेंड्स जैसे ही एब नॉर्मल कंडीशन होगी तो ये 5 और 6 के बीच में ओपन हो जाएगा, और आपसे जो 6 से निकल के जाएगी आपके ओवरलोड टर्मिनल पे, और उसकी वजह से आपको ये सेफ्टी मिल जाएगी कि जैसे फ्रेंड्स इसमें कोई भी सर्किट, जैसे कोई भी आपका फेस एक तार टूट के गिर गई, तो उस कंडीशन में ये आपका सिंगल फेस प्रिवेंटर ऑपरेट हो जाएगा। तो चलिए ये आपका सिंगल फेस प्रिवेंटर लग गया। अब इससे 6 नंबर टर्मिनल से आपकी वायर निकल के जाएगी ओवरलोड के 95 टर्मिनल पे। तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने 6 नंबर टर्मिनल से आपकी वायर निकाल के ये वायर गई हुई है आपके ओवरलोड 95 टर्मिनल पे। ये फ्रेंड्स इसका 95 टर्मिनल है। अब फ्रेंड्स 96 टर्मिनल से आपके स्टॉप पुश बटन पे लगेगा, जो कि हम आपको करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आपके 96 टर्मिनल से निकल के आपके स्टॉप पुश बटन पे गई हुई है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, स्टार्ट पुश बटन। तो फ्रेंड्स ये है हमारा स्टार्ट पुश बटन। तो ये वायर आपके स्टार्ट पुश बटन के इस टर्मिनल पे लगेगी, और यहाँ से निकल के आप इसके A1 टर्मिनल पे लगा देंगे। तो चलिए इसको भी मैं कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये इसका 96 टर्मिनल से निकल के आपके स्टॉप पुश बटन पे, स्टॉप पुश बटन से निकल के आपके स्टार्ट पुश बटन पे, और स्टार्ट पुश बटन से आपके निकल के मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जाके लग गई। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि यहीं से हमने इसके एड ऑन ब्लॉक के NO टर्मिनल से हमने एक लूपिंग कर दी आपके स्टार्ट पुश बटन से, और दूसरी लूपिंग हम इसके A1 टर्मिनल से इसके NO को लूप कर देंगे।
तो फ्रेंड्स जैसा ये आप देख रहे हैं, ये हमारा GIC कंपनी का टाइमर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने इसके लूपिंग कर लिया है, और फ्रेंड्स ये वायर आपकी इसके A1 टर्मिनल से जाके लग जाएगी और इसको फेस प्रोवाइड होगा। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने टाइमर को एक जगह पे सेट कर लिया। अब फ्रेंड्स थोड़ा इसके बारे में मैं बता दूं आपको। फ्रेंड्स जैसे आप मेन टर्मिनल पे हमारा न्यूट्रल आया हुआ था इसके A2 टर्मिनल पे, तो A2 से ही फ्रेंड्स इसके टाइमर को भी हमने A2 से यहाँ से A2 को कनेक्शन दे दिया। अब फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ से हम निकाल के इस डेल्टा कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे यहाँ भी दे दिया, और यहाँ से फ्रेंड्स न्यूट्रल जाके इसके भी A2 टर्मिनल पे आपका कनेक्शन कर दिया। अब फ्रेंड्स ये टाइमर का कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले फ्रेंड्स आपको एड ऑन ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी जो आप इसके दोनों पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके एड ऑन ब्लॉक। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे 18 नंबर होता है फ्रेंड्स इसका स्टार, देखिए फ्रेंड्स इस पर बना भी हुआ है, ये जाके आपके स्टार पे लगेगी स्टार के लिए। तो हम स्टार के लिए कनेक्शन कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये है इसका NC, और NC के थ्रू ऐसे हम कनेक्शन करेंगे। और फ्रेंड्स अब इसके बाद में इस स्टार कॉन्टेक्टर के एड ऑन ब्लॉक के NC टर्मिनल से फ्रेंड्स निकल के आपके डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे आएगी। तो चलिए इसको भी मैं कर देता हूँ। तो ये इसमें NC में लग गया, और फ्रेंड्स ये इसके A1 टर्मिनल पे जाके वायर लगा दिया। तो सेम एज फ्रेंड्स अब इसके 28 नंबर, फ्रेंड्स 28 नंबर का भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। 28 नंबर से वायर निकल के आपके इसके एड ऑन ब्लॉक के NC टर्मिनल से निकल के ये NC से होते हुए फ्रेंड्स इसके A1 टर्मिनल पे लगेगी। तो इसके NC से निकल के इसके A1 टर्मिनल पे हमने इसको वायर को प्रॉपर फिक्स कर दिया, और इसको हम टाइट भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने टाइमर का भी कनेक्शन कर दिया। ये फ्रेंड्स इसकी कंट्रोलिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके जैसे ही आप इसको एक बार स्टार्ट पुश बटन से स्टार्ट करेंगे, तो आपका मेन कॉन्टेक्टर के साथ में स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, और देन फिर आपका मेन कॉन्टेक्टर के साथ में डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। आपके थोड़ा इजी स्टेप के लिए मैंने इसकी ऊपर की फ्लिप को निकाल दिया है, और अब फ्रेंड्स हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपकी स्टार्ट पुश बटन। तो जस्ट मैंने MCB को ऑन किया अभी हेल्थी कंडीशन में हमारा, और फिर स्टार्ट हुआ। फ्रेंड जैसा आप देख पा रहे हैं, मेन कॉन्टेक्टर के साथ में हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड है, और देन टाइमर के होल्डिंग के बाद में ये मेन कॉन्टेक्टर के साथ में डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि ये आपको पावर वायरिंग और इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं और कैसे किन वायर के थ्रू आप किस चीज़ में कनेक्ट करेंगे वायर को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा लगा हुआ है TPN। TPN का मतलब 3 पोल न्यूट्रल, मतलब कि RYB और प्लस न्यूट्रल। तो सबसे पहले आपकी RYB फ्रेंड्स तीनों आपके मेन कॉन्टेक्टर के टर्मिनल में जाके लगी हुई। फ्रेंड्स आप देख पाएंगे ये हो गया इसका R, ये Y और ये B। सेम एज फ्रेंड्स आपका ये यहाँ से ओवरलोड रिले से निकल के फ्रेंड्स आपके 6-6 टर्मिनल पे जाके कनेक्टर पे लगी हुई। ये आपका RYB और ये यहाँ से निकल के आपके कनेक्टर पे लगी हुई। अब फ्रेंड्स इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिर फ्रेंड्स आप क्या होता है पावर वायरिंग में पहले बताना चाहूँगा, और फिर फ्रेंड्स आपका RYB निकल के आ जाता है आपके डेल्टा कॉन्टेक्टर पे RYB। और फ्रेंड्स क्या होता है RYB फ्रेंड, ये आपके 3 टर्मिनल जो बाकी थे, 3 कॉन्टेक्टर उस पर जाके लगे हुई। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जाके आपके स्टार कॉन्टेक्टर पे वायर लगी हुई है, और ऊपर से हमने लूपिंग कर दिया ताकि ये आपका न्यूट्रल हो जाए और पर फेस आपका 220 वोल्टेज आती रहे। फ्रेंड्स क्या होता है स्टार में जब हमारी मोटर चलती है, तो उस समय
आपका होता है 220 वोल्टेज, और जब आपकी मोटर डेल्टा में चलती है तो डेल्टा में फेस टू फेस मतलब कि 415 वोल्टेज चलती। तो चलिए अब फ्रेंड्स ये है इसका पावर वायरिंग, और अब मैं आपको बताऊंगा कंट्रोलिंग। फ्रेंड्स ज़्यादातर लोगों को दिक्कत यही आती है कि उनको कंट्रोलिंग करने में प्रॉब्लम होती। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसके मेन कंट्रोलिंग के बारे में बताऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इंडिकेटर के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए, ये है आपका सिंगल फेज प्रिवेंटर। सिंगल फेज प्रिवेंटर रिले क्या करता है फ्रेंड्स, जैसे आपकी बाई चांस 3 फेज आ रहे हैं, इन केस कोई एक फेज या एक तार वायर टूट के गिर गई, तो उस कंडीशन में क्या होगी आपकी मोटर क्या होगी फ्रेंड्स, वो बर्न हो जाएगी 2 फेज से चलने से। तो ये क्या करता है, ये इसकी सेफ्टी के लिए लगाया जाता है सिंगल फेज प्रिवेंटर। तो जाहिर सी बात है ये हमने आर दे दिया, ये वाई दे दिया और ये ब्लू दे दिया यहीं से कॉमन करके। फ्रेंड्स ये नॉर्मल रहेगा तब तो ये आउटपुट देगा, जैसे कोई फॉल्ट आएगा तो ये आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो उसके बाद में फ्रेंड्स ये वायर आपकी निकल के आती है ओवरलोड के 95 टर्मिनल पे। ये यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे, ये है इसका 95 टर्मिनल ओवरलोड की ये, और फिर फ्रेंड्स 96 टर्मिनल से ये आपकी वायर निकल के जा रही है स्टॉप पुश बटन में। फ्रेंड्स फिर क्या होता है, स्टॉप पुश बटन से निकल के आपके स्टार्ट पुश बटन के टर्मिनल पे लगी हुई है, फिर स्टार्ट पुश बटन से निकल के आपके मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे लगी हुई। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे, ये इसका A1 टर्मिनल पे लगी हुई। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि जैसे हम ड्यूअल स्टार्टर में इसकी होल्डिंग करते हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया, अगर अभी इस कंडीशन में आप मोटर चलाएंगे तो मोटर तो चल जाएगी, मगर आप जब तक इसको प्रेस करे रहेंगे तब तक, तो इसकी होल्डिंग के लिए इस साइड से मैंने एक लूप यहाँ पे ले लिया इसके एनोड टर्मिनल पे, और यहीं से फ्रेंड्स इसके A1 टर्मिनल से एक लूप इसकी ये ले लिया। तो फ्रेंड्स ये क्या होगी, जैसे एक बार आपकी मोटर स्टार्ट होगी और उस कंडीशन में फिर आपका करंट ये यहाँ से NO आपका NC हो जाएगा और करंट यहाँ के फ्लो होती रहेगी। फ्रेंड्स अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। फ्रेंड्स इतना तो आप ड्यूअल स्टार्टर में जानते ही हैं कि इतनी कंट्रोलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती, फिर इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए बात ये है कि इसी A1 टर्मिनल से, मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल से हमने एक फेस की वायर लाके आपके टाइमर पे इनपुट में दे दिया A1 में। फ्रेंड्स आप देखेंगे ये A1 में इसकी लूप लगी हुई ये वाली ब्लू वायर की। और फ्रेंड्स क्या होगा, इसको अब न्यूट्रल भी हमें चाहिए, तो न्यूट्रल फ्रेंड्स ये है न्यूट्रल इसका वायर, तो ये आपकी न्यूट्रल वायर आके मेन कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे लगी है, और यहीं से हम टाइमर के A2 टर्मिनल पे कनेक्शन दे दिया न्यूट्रल का। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है, इस साइड के मैंने सारी तीनों को लूप कर दिया, और ये है फ्रेंड्स इसका टर्मिनल नंबर 18। 18 नंबर होता है फ्रेंड्स स्टार के लिए, और 28 नंबर टर्मिनल होता है आपके डेल्टा के लिए। तो 18 नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से वायर निकली और आपके डेल्टा कॉन्टेक्टर के जो एड ऑन ब्लॉक लगाया हुआ है फ्रेंड्स, उसके NC से कनेक्शन करके आपके स्टार कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे दे दिया। फ्रेंड जैसा देख पा रहे हैं मैं एक एक वायर आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो ये A1 टर्मिनल पे दे दिया। अब फ्रेंड्स सेम आप टाइमर से दूसरा कनेक्शन देखते हैं, जो कि हमारा 28 नंबर से निकल के ये वायर गई और आपके स्टार कॉन्टेक्टर के एड ऑन ब्लॉक NC टर्मिनल से, NC से होते हुए फ्रेंड्स ये गई आपके डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं आप, ये A1 टर्मिनल इसका। तो फ्रेंड्स ये हो गई इसकी कंट्रोलिंग, ये था हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब फ्रेंड्स मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और डीपली नॉलेज दूंगा, जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोलिंग वायरिंग, ये आप देख पा रहे हैं फेज वायर्स निकल के MCB के थ्रू OLR ओवरलोड रिले। फ्रेंड्स ओवरलोड रिले हमेशा NC रहता है, नॉर्मली क्लोज रहता है, फिर स्टॉप पुश बटन, देन स्टार्ट पुश बटन, फिर आपके मेन कॉन्टेक्टर पे होते हुए आपकी न्यूट्रल सप्लाई तीन चारों पे कॉमन हो जाती। और फ्रेंड्स ये है इसका सर्किट डायग्राम। फ्रेंड्स मैं इसका पावर डायग्राम भी दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अब चलिए फ्रेंड्स इस पैनल को हम प्रॉपर प्रैक्टिकल और ऑपरेट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमने अपना TPN को ऑन कर लिया। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर हेल्थी कंडीशन में है, मतलब कि कहीं पर कोई भी फॉल्ट नहीं है। और फ्रेंड्स अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट पुश बटन से, ये मोटर आपकी स्टार्ट हो गई। फ्रेंड्स इस कंडीशन में आपका
मेन कॉन्ट्रेक्टर के साथ में स्टार कॉन्ट्रेक्टर लगेगा, और 10 सेकेंड के बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि ये कॉन्ट्रेक्टर अनहोल्ड होके आपका डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसकी हमने ट्रिपिंग भी चेक करनी है, तो ट्रिपिंग कैसे आप चेक करेंगे, जैसे मैंने इंडिकेटर लगा रखा है तो ओवरलोड रिले के नीचे साइड में, ये देखिए फ्रेंड्स इस जगह पे नीचे साइड में एक स्विच लीवर लगा होता है, लीवर को आप लेफ्ट साइड में पुश करेंगे और देखिए उसमें ट्रिप का इंडिकेशन आ गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारी इस वीडियो में, और आपको मोटर के कनेक्शन के बारे में भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। जैसा आप देख पा रहे हैं तो ये है इसकी कनेक्शन की, जैसा आप देख पा रहे हैं RYB और इस साइड के भी कनेक्शन RYB। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं, तो ये है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर देखिए आप, और ये आपका ऑपरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमारे यही था, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए थैंक यू। फ्रेंड्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको DG के बारे में सेपरेट वीडियो बनाकर पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। थैंक यू सो मच।